अपने काम को लगातार करते रहना सफलता का सबसे बड़ा कारण है और अपने काम को लगातार न करते रहना असफलता का सबसे बड़ा कारण है। विश्व के जितने सफलतम लोग हैं अपने काम को लगातार मन से दृढ़ होकर करते रहे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, विद्यार्थी हो, खिलाड़ी हो या बॉडी बिल्डर या कोई भी इंसान। यही वो मूल मंत्र है जो एक दिन साधारण को भी असाधारण बनाता है। लगातार काम करते रहने की प्रक्रिया यानी निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा साधन है। और जब कोई इंसान अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद को निरंतरता से जोड़ देता है, तब कुछ समय बाद प्रकृति में मचता है हड़कंप। सफलता जिस कोने में छुपी हो उसे निकल कर आना ही होता है। निरंतरता की महिमा सबको समझ में नहीं आती और जिसको समझ में आ जाती है सफलता उसके कदम चूमती है। निरंतरता का मतलब है अपने बनाए लक्ष्य को पाने के लिए रोज़ रोज़ प्रयास करना। हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है जिसे लगभग हम सभी लोग सुने होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। इस कहावत से जुड़ी ये पुरानी कहानी को भी सुनते हैं। पुराने दिनों में जब हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे, विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहते थे, वहीं रहकर सारी विद्याएं गुरुओं से सीखते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में एक बच्चा था जो कि बहुत ही मंदबुद्धि था। अपनी पूरी कक्षा में वह सबसे बड़ा मूर्ख था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। 10 वर्ष बीत जाने पर भी वह मूर्ख ही बना रहा। सभी साथी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वरदराज यानी बैलों का राजा कहा करते थे। दूसरे शिष्यों द्वारा उस बच्चे को चिढ़ाया जाना गुरुजी को पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया और उसे अपने पास बुलाया। गुरुजी ने उस बच्चे को कहा, बेटा शायद पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं है, क्या पता तुम किसी और काम में माहिर हो जाओ, इसलिए यहाँ पढ़ने में समय खराब मत करो और जाकर कोई और कार्य करने की कोशिश करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर अवश्य तुम्हें कोई रास्ता दिखाएगा। यह सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ और निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। गुरुकुल से उसका घर बहुत दूर था, उस समय लोग पैदल ही आते जाते थे। लड़का भी उदास मन से घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगी। कुछ और दूर जाने पर उसने देखा कि कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। लड़का वहाँ पहुंचकर उनसे पानी मांग कर पिया। औरतों ने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आ रहे हो और इतने उदास क्यों हो? लड़के ने पूरी बात बता दी। उसकी बात सुनकर एक औरत बोली, बेटा ये पत्थर देखो जिस पर रस्सी के निशान लगे हैं, जब कमज़ोर रस्सी पत्थर को काट देती है तो तुम अभ्यास करके बुद्धिमान क्यों नहीं बन सकते? पत्थर पर लगे निशान को देखकर और उस औरत के समझाने पर उस लड़के के मन में बात पूरी तरह से बैठ गई और अब वह अपने मन में एक निर्णय ले चुका था। उसे उसी समय अपनी सफलता दिख गई थी। वह उन औरतों को प्रणाम करके वापस गुरुकुल की तरफ लौट गया। गुरुकुल पहुंचकर गुरुजी से कुछ और दिन रखकर शिक्षा देने की प्रार्थना की। सरल हृदय गुरुजी ने ये बात स्वीकार कर लिया। अब उस बच्चे ने मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि समय और भोजन का भी ध्यान नहीं रहता। कुछ समय बाद वह लड़का संस्कृत का महान विद्वान बन चुका था। यह लड़का कोई और नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करने वाले महान विद्वान वरदराज के रूप में जिन्हें हम जानते हैं। निरंतरता कंसिस्टेंसी सफलता के लिए पुल का काम करती है। बिहार के दशरथ मांझी ने लगातार निरंतरता के साथ रोज़ रोज 22 साल तक छेनी हथौड़ा से एक पूरा का पूरा पहाड़ काटकर बीचों बीच रास्ता बना दिया। 22 साल का समय और रोज़ रोज़ पहाड़ को काटने का काम जब हमारे कार्य में रोज़ रोज़ जुड़ जाता है तो होते हैं चमत्कार। पहाड़ को भी रास्ता देना पड़ता है। दुनिया के हर सफल लोगों ने इसी फार्मूले को अपनी आत्मा में बसाया और खुद को शून्य से शिखर तक पहुँचाया। तो आप भी लग जाइए अपने जीवन निर्माण में निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। सफलता 100% निश्चित है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।